यूट्यूब पर चैनल बनाकर उसे ग्रो करना, उस पर सक्सेस पाना, करियर बिल्ड करना आसान बात तो नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी बिल्कुल नहीं है। अगर आज का वीडियो आपने देखा, और देखने से ही नहीं बल्कि जो 25 स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ उन सबको फॉलो किया और अपना चैनल आज ही बनाया, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। वैसे YouTube की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो तुक्के में ही सुपरहिट हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनका लक बहुत अच्छा होता है, मे भी हो सकता है, लेकिन ऐसे चैनल बहुत ही कम होते हैं जो तुक्के में या फिर अपने लक की वजह से हिट हो जाते हैं। बाकी के जो चैनल्स हैं वो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और वो अपने माइंड से ही आगे बढ़ते हैं। सारा का सारा निचोड़ जो है, मैं खुद 4 साल से काम कर रहा हूँ यूट्यूब पे, वो आपके सामने रखने वाला हूँ। दूसरी बात ये भी है, इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि बहुत सारे लोग हमसे ये कहते हैं कि आप हमारा चैनल चेक करके बताओ कि मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ। लाइव बहुत सारे लोग करते हैं चेकिंग योर चैनल, तो देखिए लाइव में जब हम चैनल चेक करते हैं तो उतना कुछ नहीं बता पाते। और मेरे एक चीज़ समझ में आई कि पता नहीं वो लोग कौन होते हैं जो अपने चैनल को चेक करवाना चाहते हैं और क्यों। अगर ये वीडियो आपने कंप्लीट देखा तो आपको कहीं भी किसी से चैनल चेक करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये सारे के सारे स्टेप्स जो भी बताने वाला हूँ ये फॉलो कर लीजिएगा, आपका परफेक्ट चैनल बनेगा, ग्रो होगा, आपको सक्सेस मिलेगी और आप पैसे भी बहुत ज़्यादा कमाओगे। वीडियो बड़ी हो सकती है लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी, नो ड्रामा नो क्लिक बैट ऑनली टैग। तो दोस्तों बात करते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले जब आप चैनल को क्रिएट करते हैं वहां से शुरू करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप मिलियन तक कैसे पहुंच सकते हैं। सबसे पहले जब आपने चैनल नहीं बनाया है उससे पहले आपको एक काम करना है कि सबसे पहले अपना निश सेलेक्ट करना है कि मैं किस निश पर काम करने वाला हूं। मेरा जो चैनल है वो लोगों के लिए जो बना रहा हूं उन लोगों को मैं क्या प्रोवाइड करूंगा, इसमें मैं क्या न्यूज़ दूंगा, क्या मैं व्लॉगिंग करूंगा, क्या मैं कुकिंग सिखाऊंगा, क्या मैं टेक्निकल वीडियोस दूंगा, क्या मैं अनबॉक्सिंग करूंगा। जो भी हो आपको अपना निच सेलेक्ट करना पड़ेगा एक चैनल्स के लिए। अगर आप 2 या 3 अलग अलग निच पे काम करना चाहते हैं तो आप अलग अलग चैनल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चैनल के लिए आपको एक निच सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब आप अपना निच सेलेक्ट कर लो, अब सबसे बड़ी बात है ये सवाल कभी किसी से मत करना कि भाई मैं किस निच पर चैनल बनाऊं, क्योंकि हर निच पर चैनल को आप ग्रो कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट उसमें है तो। क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आप उसमें काफ़ी ज़्यादा लर्निंग कर पाओगे, बहुत दिनों तक काम कर पाओगे, और जिस चीज़ में इंसान का इंटरेस्ट होता है उसकी नॉलेज वो ज़्यादा से ज़्यादा ले सकता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होगी, और जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतने लंबे टाइम तक वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ उस पर अपलोड कर पाएगा। तो निच हमेशा खुद से ही सेलेक्ट करना है, इसके बारे में किसी से कोई सवाल नहीं करना है। यहाँ पर सबसे पहली गलती लोग यही करते हैं कि दूसरों से पूछते हैं। अब आपका निश सेलेक्ट हो गया, इसके बाद आपको एक चैनल क्रिएट करना है। चैनल क्रिएट कैसे होता है इसकी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर भी मिलेगी और बहुत सारे चैनल्स पर आपको मिल जाएगी। चैनल आपका क्रिएट हो गया, इसके बाद सेकंड जो स्टेप है वो है कस्टमाइज योर चैनल। आपको अपने चैनल को कस्टमाइज करना है कि चैनल के अबाउट में मुझे क्या लिखना है, अपलोड डिफॉल्ट में मुझे क्या लिखना है, चैनल के कीवर्ड में मुझे क्या लिखना है। चैनल को फुल कस्टमाइज करना बहुत जरूरी है। मुझे एक अच्छा लोगो लगाना है, अच्छा मुझे बैनर लगाना है, एक अच्छा सा यूनिक नेम देना है। बहुत लोग क्या करते हैं कॉपी नेम दे देते हैं, उनसे उसकी खुद की पहचान नहीं बन पाती। तो एक अच्छा सा कस्टमाइज कीजिए चैनल। चैनल कस्टमाइज करना नहीं आता उसके भी वीडियोज आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे और मेरे भी चैनल पर मिल जाएंगे। अब आपने निश सेलेक्ट कर लिया, आपका चैनल बन गया, कस्टमाइज हो गया, आपके 2 स्टेप पूरे हो चुके हैं। थर्ड स्टेप, जब आप पहला वीडियो अपलोड करोगे, और ये जो स्टेप है वो पहले वीडियो पर भी लेना पड़ेगा और अगर आप 50वां वीडियो बनाओगे तो भी लेना पड़ेगा। हमें किसी भी वीडियो को, जब हम वीडियो को बना रहे हैं उससे पहले उसकी स्क्रिप्टिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है, आप बोलने में बहुत अच्छे हो, तो आप अपने माइंड में पॉइंटर्स लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इन पेपर भी लिख सकते हैं या फिर कहीं और उसको लिख सकते हैं। स्क्रिप्टिंग करना बहुत जरूरी है। स्क्रिप्टिंग में आपका फर्स्ट में होगा इंट्रो, जिसमें आप बताओगे यूजर्स को कि आप वीडियो के अंदर क्या प्रोवाइड करोगे, उसके बाद उसका मेन बॉडी होगा जो उसका नॉलेज आपको देना है उसमें, और लास्ट में आपका आउट्रो होगा। अब ये जो आपकी स्क्रिप्ट है ये पॉइंट टू पॉइंट चलनी चाहिए। अगर आप पॉइंट्स में करोगे तो लोग इसे कंप्लीट देखेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं अगले पॉइंट में आप क्या बताओगे। यानी कि आपको स्क्रिप्टिंग काफ़ी अच्छी करनी है, उसमें थोड़ा सस्पेंस बना रहे, सस्पेंस के साथ साथ यूजर का इंटरेस्ट बना रहना बहुत जरूरी है। अगर आपको स्क्रिप्ट लिखना नहीं आती, तो कुछ ही दिन पहले मैंने बताया था कि यार YouTube वीडियो के लिए एक प्रॉपर स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं। आपके 3 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब चौथा स्टेप ये है कि आपने निच चुना, उसके बाद आपने अपना चैनल कस्टमाइज किया, स्क्रिप्ट लिखी।
अब आपको उस वीडियो के रिगार्डिंग एसईओ फ्रेंडली कीवर्ड फाइंड करने हैं कि यार मैं कौन से कीवर्ड यूज करूं इस वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए, इसका एसईओ करने के लिए। एसईओ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी आपने देखा होगा, मैं जो भी वीडियो मैंने जिस टॉपिक पे बनाई है वो वीडियो सर्च रिजल्ट में आती है। उसका मेन कारण यही है क्योंकि मैं कीवर्ड्स पर बहुत ज्यादा काम करता हूं। इस पर भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, बेस्ट कीवर्ड्स फॉर यूट्यूब करके, वो आप देख सकते हैं, और मैं लेटेस्ट भी और बना दूंगा। आपको कीवर्ड्स फाइंड करने के, और मेरे को ये वीडियो इस कीवर्ड्स पे आगे बढ़ानी है। जैसे ब्लॉग में हम कीवर्ड्स रिसर्च करते हैं, वैसे हमें यूट्यूब के एसईओ के लिए भी कीवर्ड रिसर्च करना बहुत जरूरी है। आपका कीवर्ड रिसर्च वगैरह हो गया, आपके चार स्टेप कंप्लीट हो गए। पांचवा स्टेप आता है आपका टाइटल। वीडियो का जो टाइटल है वो आपको कैसा देना है, तो देखिए सबसे पहले आपको ये दिमाग में नहीं रखना कि यार वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, मैं ऐसा करूंगा, उसने ऐसा किया था तो उसका भी ग्रो होगा, मैं भी ऐसा करूंगा, इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। यहां मैं बात कर रहा हूं, आपने स्टार्ट किया है चैनल अभी, तो आप कभी भी ये कंपेयर ना करें, उसका तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर है चैनल पर, उसने कुछ भी लिख दिया, आई एम सॉरी, बस इतना लिखा और वीडियो डाल दी और वीडियो पर लाखों व्यूज आ गए। भाई उसके पास ऑलरेडी ऑडियंस है, आपके पास नहीं है, आपने स्टार्ट किया है, तो आपको जो मैं बोल रहा हूं वो आप कीजिएगा, तब आपको फायदा होगा। आपको टाइटल में क्या करना है, जिस कीवर्ड पर, जो आपका मेन कीवर्ड है, वो एक लॉन्ग टेल कीवर्ड होना जरूरी है, शॉर्ट टेल कीवर्ड नहीं। शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होता है बताता हूं, मेकिंग मनी, ये है एक शॉर्ट टेल कीवर्ड। हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन बाय फोन, इस तरह के जो कीवर्ड होते हैं ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड जो आपने चूज किया, जिस पर आपको वीडियो आगे बढ़ानी है, उस कीवर्ड को आप टाइटल के फर्स्ट में लगाओगे, और सेकंड में आप कुछ और भी लगा सकते हो। कम से कम एक वीडियो के अंदर दो कीवर्ड का यूज करें, मतलब एक टाइटल के अंदर दो कीवर्ड का यूज जरूर करें। जब भी आप कीवर्ड फाइंड करें तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें, यार मैं ऐसा कीवर्ड चूज करूंगा जिसको सर्च तो बहुत ज्यादा किया जाता है लेकिन उस पर कंपटीशन लो है। यहां पर आपके ये स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं। सिक्स स्टेप की बात करते हैं और वो है आपका डिस्क्रिप्शन। आपको डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज करके लिखना है किसी भी वीडियो का। वीडियो के अंदर आप सबसे पहले अपने कीवर्ड यूज करें, जो आपका टाइटल है उसे यूज करें, उसके बाद आप बताएं अबाउट दिस वीडियो, यार इस वीडियो में मैंने क्या क्या बताया, वो सारी चीजें बताएं। उसके बाद आपके पास अगर प्लेलिस्ट वगैरह के लिंक्स है या उससे रिलेटेड कोई अदर वीडियो है, उसके भी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में डालें। उसके बाद आप अपने सोशल मीडियाज के लिंक डाल दें, अगर आपने कोई उसमें प्रोडक्ट वगैरह के बारे में बात की तो आप अफिलिएट लिंक सेकंड लाइन पे डाल सकते हैं, और सबसे नीचे आपको कुछ हैशटैग लगाने हैं। हैशटैग लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप 15 तक लगा सकते हैं, बाकी मैं आपको सलाह दूंगा 5-7 आप लगा सकते हैं। ये आपका डिस्क्रिप्शन हो गया ऑप्टिमाइज। डिस्क्रिप्शन में फालतू की चीज़ें लगाना बिल्कुल गलत है। छठा स्टेप कंप्लीट। सातवां स्टेप जो आपको होगा वो होगा टेक्स के अंदर सही मेटा डाटा यूज करना। आपको टेक्स के लिए 500 वर्ड मिलते हैं तो उसमें एक सही डेटा यूज करें। कई बार क्या होता है, लोग समझते हैं यार मैं दूसरे का ये टैग चुरा लूंगा, इसको डाल दूंगा तो मेरा वायरल होने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी आपने वीडियो बनाया है, पहले जो आपने सोचा था कि मेरे को इस कीवर्ड पर इस वीडियो को आगे बढ़ाना है, सर्च में भेजना है, उस कीवर्ड से रिलेटेड ही आपको टैग्स डालने पड़ेंगे अपने टैग बॉक्स में। और मैंने एक वीडियो बनाया है, बेस्ट आप टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन कैसे डाल सकते हैं, और उस वीडियो को 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा है। आप सर्च कीजिए, आपको ये सब चीजें आ जाएगी। यहां पर ही आपका स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अगला जो स्टेप है वो है थंबनेल। थंबनेल बहुत ज्यादा जरूरी है वीडियो के लिए। देखिए मैं शुरुआत से लेके चल रहा हूं, हो सकता है कुछ चीज आपको पहले से पता हो, लेकिन जब वीडियो के अंत तक आप पहुंचेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें नई देखने को मिल सकती है। थंबनेल की अगर बात करें, थंबनेल पर आप थोड़ा सा क्लिक बैट कर सकते हैं, जरूरी है। क्लिक बैट मिसलीडिंग, दोनों में फर्क है। क्लिक बैट वो होता है, मान लीजिए मैं बता रहा हूं कि यूट्यूब से पैसे कमाए और मैंने लिख दिया कि यूट्यूब से लाखों रुपया कैसे कमाए, पैसे लेके मैं खड़ा हो गया, ये एक क्लिक बैट है, क्योंकि मैं वीडियो के अंदर भी यही बात कर रहा हूं कि यूट्यूब से पैसा कैसे कमाए। मिसलीडिंग एक अलग चीज है कि मैं अगर उसमें ये कह रहा हूं कि YouTube से मैंने कमाया 5 करोड़ और अंदर मैं बता रहा हूं कि भैया मैंने 5 करोड़ नहीं कमाया, किसी ने मुझे कमेंट किया था, लोग गलत बोल रहे हैं, कुछ भी मतलब मैं कर दूं, तो ये होता है मिसलीडिंग। यानी आपको मिसलीड नहीं करना लोगों को, क्लिक बैट आपको करना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर आप क्लिक बैट करते हैं आपकी वीडियो आगे जाती है, लेकिन अगर आप मिसलीड करते हैं तो हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा व्यूज मिल जाए, हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका चैनल जो है वो डैमेज हो सकता है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आपकी ऑडियंस का भरोसा उठ सकता है। तो ये सारे स्टेप्स आपको कंप्लीट करने हैं। इसके बाद आता है नवा स्टेप। नवा स्टेप ये है कि आप चाहे कॉमेडी वीडियो बनाएं, एंटरटेनमेंट करें लोगों को, या कुछ भी बताएं, नॉलेज दें लोगों को, पढ़ाएं लोगों को, कुकिंग सिखाएं, आपकी वीडियो में कुछ ना कुछ आपकी वैल्यू ऐड होनी चाहिए।
अगर आप अपनी वैल्यू ऐड करते हैं अपनी वीडियो में तो उसके दो फायदे हैं। पहली बात कि आपका जो चैनल है वो कभी भी रीयूज कंटेंट के प्रॉब्लम में नहीं फंसेगा, पहली बात तो ये। दूसरा, अपनी जब आप रियल वैल्यू ऐड करते हैं, मान लो आप एंटरटेनमेंट करना चाहते हो और आप एंटरटेन सच में कर पा रहे हैं, तो आपसे लोगों का एंगेजमेंट बन जाता है। आप नॉलेज देना चाहते हैं, लोगों को नॉलेज मिल रही है, आप पढ़ाना चाहते हैं, लोग पढ़ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। कुल मिला के वैल्यू ऐड करना बहुत जरूरी है, इससे आपका यूज़र अगेन एंड अगेन आपके चैनल पर आकर आपकी वीडियो देखेगा। थोड़ा सा ऑनेस्टी आपको जरूर रखनी चाहिए, आपको वैल्यू ऐड करना बहुत जरूरी है, इससे आपकी पहचान बनेगी। चैनल यूट्यूब का जो है, इसको भले ही आप ये समझते हो अगर सिर्फ वीडियो डालना और आगे बढ़ जाना, ऐसा नहीं है। इसको एज ए ब्रांड आप लेके चलेंगे तो यहाँ से बहुत सारा पैसा कमा पाएंगे। आपने बड़े बड़े चैनल्स देखे होंगे जो करोड़ों लाखों की मतलब कंपनीज उन्होंने ओपन कर ली सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की वजह से, और बहुत सारा पैसा भी वो कमा चुके हैं। वैल्यू ऐड करने के बाद जो आपका 10वां स्टेप है वो है क्वालिटी वीडियोस बनाना। अब ये क्वालिटी वीडियोस क्या होती है, हो सकता है स्टार्टिंग में आपके पास DSLR ना हो, अच्छी लाइट्स ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्वालिटी वीडियोस नहीं बना सकते। आपके मोबाइल में 13 मेगापिक्सल से जो ऊपर के कैमरे होते हैं वो सफिशियंट है, उससे आप वीडियो बना सकते हैं। मैंने भी ऐसा ही कोई मोबाइल यूज़ किया था, Redmi Note Prime, उसमें शायद 13 मेगापिक्सल ही था, उससे फ़र्क नहीं पड़ता आपका वीडियो क्या है। लेकिन आप एक प्रोफेशनल वे में बात कर रहे हो, आपका ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, आप अटक नहीं रहे हो, आप जिस चीज़ पे बता रहे हो उस पे आप थ्रू आउट बता रहे हो ताकि सामने वाले को लगे कि यार ये सही बता रहा है, आप कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हो अपनी ऑडियंस से, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ कॉन्फिडेंस से। ये चीज़ें आपकी वीडियोज़ के अंदर होनी चाहिए, अगर ये वीडियो होगी तो आपका कॉन्टेंट क्वालिटी हो जाएगा। धीरे धीरे जब आप पैसा कमाओगे तो फिर DSLR वगैरह ये सब चीज़ लेके आप बना सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आपको प्रोफेशनल वे में एक अच्छी फ्लुएंसी से आपके कॉन्टेंट को लोगों तक पहुँचाना है और ऑडियो अच्छी रखना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जिस टॉपिक पर आप बात कर रहे हो उस टॉपिक पर थोड़ी रिसर्च करनी है ताकि आपसे कोई भी रॉन्ग मैसेज कन्वे ना हो, आपका वीडियो क्वालिटी वीडियो बन जाएगा। 10 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, 11वें स्टेप की बात करते हैं। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि आपका मान लीजिए जब यहाँ तक पहुँच गए चैनल पर, कोई भी एक वीडियो वायरल होता है या उस पर ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं, तो आपको एपिसोडिक कंटेंट बनाना चाहिए। एपिसोडिक कंटेंट का मतलब ये होता है, मान लीजिए आपने ब्लॉग के बारे में किसी से बात की और आपका वीडियो थोड़ा सा अच्छा चला, तो आप ब्लॉग की पूरी सीरीज तैयार करें अपने चैनल पर। मैंने ऐसी कई सीरीज अपने चैनल पर स्टार्ट किए, चाहे वो UC न्यूज़ हो, चाहे वो रोजबज मीडिया हो, चाहे वो अफिलिएट मार्केटिंग हो, या फिर वो कोई इंस्टाग्राम की बात हो, या फिर वो इसके अलावा ब्लॉग हो या वर्डप्रेस हो। आप अगर एपिसोडिक कंटेंट बनाएंगे, एक सीरीज तैयार करेंगे, इससे आपके चैनल की वैल्यू बढ़ेगी, आपका यूजर बार बार आके आपको देखेगा क्योंकि उसे अगला पार्ट देखना है, आप एडिटिंग कर रहे हो अगला पार्ट उसे देखना है, तो आपके यूजर बेस बढ़ता है और उससे आपके व्यूज भी ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। इससे अगला जो 12वां स्टेप है वो है कॉल टू एक्शन, आप अपनी वीडियो में जरूर दें। कॉल टू एक्शन क्या होता है, कुछ भी ऐसा कोई सवाल पूछ ले कि भाई आप इसको कमेंट करके बताएं, या वीडियो में चलते चलते कुछ भी पूछ ले कि यार आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, लाइक करें, इसमें कमेंट करके मुझे बताएं, या मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसके अलावा आप क्या जानना चाहते हैं, आप कमेंट करें। कॉल टू एक्शन का मतलब है आप कुछ ऐसा बोलें ताकि यूजर कुछ भी रिएक्ट करे आपकी वीडियो पे, चाहे वो लाइक करे, चाहे वो डिसलाइक करे, चाहे वो कमेंट करे, या फिर उसको शेयर करे, कुछ भी करे, आपकी कॉल का एक्शन होना चाहिए। ये बहुत अच्छा रहता है, इससे भी आपका जो एंगेजमेंट है वीडियो में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं 13वें स्टेप की। देखिए, मैंने आपको बताया सीरीज वाइज आपको कंटेंट बनाना है एपिसोडिक, तो आप इनकी एक प्लेलिस्ट भी तैयार करें। प्लेलिस्ट तैयार करना बहुत जरूरी है, और जब भी आप कोई एक वीडियो बनाएं, जैसे मान लीजिए ब्लॉग का फर्स्ट पार्ट बना रहे हैं, सेकंड पार्ट बना रहे हैं, तो आपने ब्लॉग का पूरा एक वो बना रखा है प्लेलिस्ट, या फिर अदर कोई भी प्लेलिस्ट है, उनके लिंक आप डिस्क्रिप्शन में डालें और कॉल टू एक्शन करें। लोगों को बोले कि आपको कंप्लीट अगर सीखना है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये एक काफी अच्छा तरीका है और ये आपको यूज जरूर करना चाहिए। अगला यहाँ पे स्टेप ये है कि आपको वीक में एक बार या फिर मंथ में एक बार Q&A सेशन भी करना चाहिए। आप Q&A वीडियो बना सकते हैं, जैसे मैं संडे कमेंट बॉक्स बनाता हूँ, या फिर आस्क करके कुछ अपना नेम दे सकते हैं। इससे क्या होगा, यूजर को ये रहता है कि हमारे सवालों का जवाब मिल रहा है, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, अपने सवाल पूछेंगे। इससे दो फायदे हैं, पहली बात तो यूजर आपको कमेंट ज़्यादा करेंगे तो आपकी इंगेजमेंट बढ़ेगी, दूसरा आपको भी ये पता चलेगा कि यार कौन सा टॉपिक यूजर्स जानना चाहते हैं, आपके व्यूवर्स क्या देखना चाहते हैं, उनके दिमाग में कौन कौन से सवाल हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो आप Q&A सेशन जरूर करें, चाहे भले वीक में एक बार करें, चाहे मंथ में एक बार करें। अब इतना सब कुछ होने के बाद आपके चैनल पर काफ़ी ज़्यादा फायदा आपको होगा और आपको कम्युनिटी टैब भी मिल जाएगा।
15वां स्टेप यही है कि हमें कम्युनिटी टैब का सही इस्तेमाल करना है। लोगों से आप एडवाइस ले सकते हैं, आप पोल क्रिएट कर सकते हैं, अपने फोटोज डाल सकते हैं। जैसे मैं अपनी जो मेरी कम्युनिटी टैब है उसमें मैं नए नए जो वीडियो आते हैं उनके लिंक्स भी डालता हूँ, कई बार पोल भी ले लेता हूँ। आज भी मैंने एक पोल क्रिएट किया है, लोगों से एडवाइस करता हूँ, अपने फोटोज भी डालता हूँ। ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, यानी इससे आप कम्युनिटी टैब का एक सही यूज़ कर पाते हैं। और अगला जो स्टेप है वो है कि आपको अपने फॉलोअर से, अपने व्यूवर से इंटरेक्ट होना है। इंटरेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, वो आप कई तरीके से हो सकते हैं। जैसे आप कॉल टू एक्शन अच्छा कर सकते हैं, इसके अलावा आप कम्युनिटी टैब में अच्छे कुछ पोस्ट डाल सकते हैं, पोल क्रिएट कर सकते हैं, आप स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, इसके अलावा आप एंड स्क्रीन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर आप बता सकते हैं कि एंड स्क्रीन में आपको लोगों को पता चल जाएगा कि इससे रिलेटेड भी वीडियोज़ है। मेरी वीडियोज़ खत्म होती है तो एंड स्क्रीन में भी वीडियो होती है। दो बहुत सारे लोग कहते हैं कि पूरी वीडियो कोई नहीं देखता, पर मैं गारंटी से कहता हूँ मेरी हर वीडियो पर 8-10% जो व्यूज़ है वो एंड स्क्रीन से ही आता है। आई कार्ड वगैरह का आप यूज़ करें, किसी भी तरीके से आप अपने फॉलोअर से इंटरेक्ट जरूर होए। इसमें आप मीटअप वगैरह भी कर सकते हैं अगर आपके ऑडियंस ज़्यादा है तो, लेकिन आपको इंटरेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इतना सब कुछ होने के बाद आपके चैनल पर स्पॉन्सरशिप भी मिलने आपको स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जब आप इतने स्टेप सही से फॉलो करेंगे तो आपका चैनल एक अच्छी स्टैंडिंग में आ जाएगा। स्पॉन्सरशिप जब आपको मिलती है तो आप पैसे के चक्कर में कोई भी गलत ब्रांड को प्रमोट ना करें, कोई भी गलत प्रोडक्ट को प्रमोट करने से बचें। मुझे जिस दिन रियलाइज़ हुआ मेरे चैनल पर कि यार ऑनलाइन कसिनो, रमी, ताश, ये पोकर और या फिर फैंटेसी क्रिकेट या फिर इसके अलावा ये अप डाउन करके जो पैसा घटाना बढ़ाना ये सब चीज़ें होती है ना यार, ये चीज़ें गलत है। उस दिन मैंने कसम खा ली, आज मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया है मैं इस तरह की चीज़ों को कभी प्रमोट नहीं करता, चाहे मुझे कोई कंपनी कितने भी पैसे का लालच दे। इस तरह की बिल्कुल मैं करता ही नहीं हूँ, मैंने सोच लिया है। इस तरह से आप भी कुछ उसूल बनाइए कि यार मेरे को ऐसे ही प्रोडक्ट प्रमोट करने जिनको मैं खुद यूज़ करता हूँ। अब अगर मैं खुद ताश नहीं खेलता, मैं खुद ऑनलाइन रमी नहीं खेलता, खुद मैं पोकर नहीं खेलता या फिर अप डाउन के चक्कर में नहीं फंसता तो मैं आप लोगों को कैसे बताऊँ। तो ये कुछ उसूल बनाइए, पैसे के चक्कर में आप गलत ब्रांड प्रमोट तो कर देंगे लेकिन वो बाद में आपके चैनल पर गलत इफेक्ट डाल सकते हैं, तो ये आपको कभी भी नहीं करना है। आपको रियल स्पॉन्सरशिप करनी है, स्पॉन्सरशिप आपको करनी जरूर है क्योंकि पेट आपके भी है और यहाँ तक आते आते आपको बहुत सारी चीज़ें भी खरीदनी पड़ेगी, अपने स्टूडियो को डेवलप करना पड़ेगा, वो जरूरी हो जाता है, उसके लिए पैसा चाहिए होता है। तो आप स्पॉन्सरशिप करिए, करनी भी चाहिए, लेकिन आप सही चीज़ ही लोगों को बताएं। इसके बाद आप और कर सकते हैं, गिव अवे कर सकते हैं। अगर आपके पास मान लो प्रोडक्ट आते हैं तो आपको गिव अवे करना बहुत ज़रूरी है। गिव अवे करने से क्या होता है, कई चीज़ें हैं। पहली बात, जैसे मान लो मेरी बात करें, मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट अब आने लगे हैं तो मैं सारे प्रोडक्ट को तो यूज़ नहीं कर सकता भाई। कुछ चार्जिंग वाले प्रोडक्ट होते हैं तो मैं कब तक चार्ज कर करके रखूंगा, अगर बिना चार्ज के रख दूंगा तो खराब हो जाएंगे, इससे अच्छा मैं गिव अवे कर दूंगा। इससे क्या होता है, आपके जो फॉलोअर है उनसे आपका प्यार बना रहता है, किसी किसी को आपको मिलता है तो उसको बड़ी खुशी होती है। हाँ, वो अलग बात है, जो लोग नहीं जीत पाते वो आपको ये भी कहेंगे, वो हेटर भी बन जाएंगे कि आप देते नहीं हो, आप फेक करते हो, ये करते हो, करेंगे लोग, उससे आपको डरना नहीं है। आप पब्लिक डोमेन में काम करते हो तो आपको हेट और प्यार दोनों मिलेगा, लेकिन आप गिव अवे करते हो इससे आपकी एंगेजमेंट तो बढ़ेगी, आपका चैनल एक नई ऊंचाइयों तक भी जा सकता है और आपके प्रोडक्ट जो खराब हो जाएंगे वो किसी के काम आ सकते हैं। इसके बाद आपका एक अच्छा यूजर बेस बन जाता है तो यहाँ पे 19वां स्टेप यह आता है कि आपको कभी कभी लाइव जाना चाहिए अपने चैनल पर। अगर आप गेमिंग में तो आप तो लाइव करेंगे ही करेंगे, 100% करेंगे। मैं टेक में हूँ फिर भी मैं लाइव करता हूँ। लाइव करने से आप नए नए लोगों को जान पाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी वीडियोज़ पे कमेंट नहीं करते लेकिन आपकी वीडियोज़ को रेगुलर देखते हैं, तो लाइव में जब वो कमेंट करते हैं आपको पता चलता है कि यार ये चैनल भी मुझसे जुड़ा हुआ है। आपको नए नए लोगों से बात होती है, नई नई मैसेज आपके पास आते हैं, आपको पता लगता है कि आपकी ऑडियंस क्या चाहती है और एक यूजर से कनेक्ट हो पाते हैं आप। तो आपको लाइव जरूर करना चाहिए। मैं भी संडे को जरूर से जरूर लाइव करता हूं। अब बात करते हैं 20वें स्टेप की, और 20वां स्टेप ये है कि जब भी कोई यूट्यूबर बनता है वो ये सोचता है कि मुझे यूट्यूब के अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं। ये सबसे बड़ी भूल है। अगर आप यूट्यूबर बनते हैं तो आप यूट्यूबर ना बने बल्कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बने, यानी यूट्यूब के अलावा जो और सोशल मीडिया है जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या फिर आपका ट्विटर हो गया, इन पर भी आप अपने फॉलोवर्स को बढ़ाएं, फॉलोवर वहाँ पे जाएं, वहाँ पे भी आप सेम नेम से अपनी ब्रांडिंग करें। जैसे मेरे टेक्निकल योगी चैनल है तो इंस्टाग्राम पर भी टेक्निकल योगी है, फेसबुक पर भी है, ट्विटर पर भी है, और सब जगह आप थोड़ा थोड़ा एक्टिव रहने की कोशिश करें। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। कभी आपके यूट्यूब चैनल पर कोई प्रॉब्लम हो गई या तो आप अपने सोशल मीडिया पर अपनी ऑडियंस को ये मैसेज तो दे पाएंगे कि भाई वहाँ पर मेरे साथ ये प्रॉब्लम होगी, अब मैं नया चैनल क्रिएट कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा जब आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है तो बहुत सारे
सारे ब्रांड्स आपसे ये कहते हैं कि भाई आपको वीडियो यूट्यूब पे तो डालनी है, इसके अलावा इस वीडियो को सोशल शेयर भी करना पड़ेगा, तो वहां पे ये आपके लिए जरूरी हो जाता है और आपके काफी काम आएगा। तो आप यूट्यूबर अगर बनना चाहते हो तो यूट्यूब के अलावा बाकी जो चीजें हैं उन पर भी आपको ध्यान देना जरूरी है और बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब करने के बाद आपके 20 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। बात करते हैं 21वें स्टेप की। 21वां स्टेप ये है कि आपको अपने चैनल पर ट्रेंडिंग वीडियो भी बनानी है और भैया एवरग्रीन भी बनानी है। इससे कई फायदे हैं। पहला फायदा, आप हमेशा पैसे कमाते रहोगे। जैसे मान लो देखो यूट्यूब है, इस पर कभी एवरेज व्यू बढ़ जाते हैं कभी घट जाते हैं। मेरे चैनल पे सारे उतार चढ़ाव मैंने देखे, कभी एवरेज व्यू कम आते हैं कभी ज़्यादा आते हैं, लेकिन मेरी अर्निंग पर कभी कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं ट्रेंडिंग वीडियो भी बनाता हूँ और एवरग्रीन तो बहुत ज़्यादा बनाता हूँ। लेकिन इनमें बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बैलेंस कैसे होगा, मान लीजिए कोई ट्रेंडिंग वीडियो है और वो वीडियो मेरे चैनल से रिलेटेड नहीं है। अगर मान लीजिए जैसे विनोद वाली वीडियो थी, मैंने बनाई, मेरे ट्रेंडिंग सेक्शन में गई, तो विनोद का एक कमेंट था जो यूट्यूब पर ही आया था और मैं यूट्यूब का वीडियो बनाता हूँ, यानी मेरे टॉपिक से रिलेटेड थी तो मैंने वहाँ पे उसको यूज़ कर लिया। तो अपने जो भी आपका नीचे चैनल का उससे रिलेटेड जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक है वो जरूर आप बनाएं और एवरग्रीन भी बनाएं। दोनों का बैलेंस इस तरह बना के रखें जिससे आपकी अर्निंग कभी कम नहीं होगी, भले ही आपके एवरेज व्यू कम आने लगे, क्योंकि यूट्यूब में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे, कभी कम आएंगे व्यूज़ कभी ज़्यादा आएंगे। दूसरा एक फायदा हो रहा है, अगर आप एवरग्रीन वीडियो बनाते हैं और मान लीजिए आपको व्यूज कम आते हैं, तो मैंने इतने स्टेप जो आपको बताया ना, SEO करे, टाइटल करे, कीवर्ड करे, वो वीडियो आने वाले टाइम में चलने लगता है। जैसे मान लो मेरी कोई वीडियो है, अगर दो दिन में उस पर 20-25 हज़ार व्यूज आके रह जाते हैं, तो आप उसी वीडियो को करीब 2-3 महीने बाद देखना, उस पर 1-2 लाख व्यूज आपको मिलेंगे। वो सारा का सारा खेल SEO का होता है और उससे मैं उतने ही पैसे कमा लेता हूँ। इस तरह की बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है तो मेरी अर्निंग में कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं 22वें स्टेप की, और ये स्टेप बहुत ज़्यादा जरूरी है। इतना सब कुछ होने के बाद आपको अपना एनालिटिक जो होता है ना, YouTube स्टूडियो का एनालिटिक, उसको बहुत ध्यान से देखना जरूरी है। उससे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि हमारे चैनल का अभी चल क्या रहा है, हमारे चैनल पर कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, वीडियो सजेस्टेड में जा रही है या फिर हमें ब्राउज फीचर से आ रहा है, उसको आप समझें। इस पर आप काफ़ी सीखें, मैंने बहुत सारी वीडियोस पे बनाई है। अगर आप एनालिटिक को बहुत अच्छे से समझते हैं और उसे यूज़ करते हैं तो आपका चैनल ग्रो करने में आपको खुद को एक नई नई चीज़ें मिलती है, आपको खुद से ही एडवाइस मिलती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो एनालिटिक को समझना, उस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 23वां एक स्टेप है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी कम्युनिटी गाइडलाइन के जो रूल्स है उनको ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने उनको ब्रेक किया तो आपका वीडियो यूट्यूब डाउन कर देगा और कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मान लीजिए आज मैंने उनका रूल ब्रेक कर दिया, मैंने कोई वीडियो ऐसा बना दिया, कोई पता नहीं 1 साल बाद जब मेरा चैनल काफ़ी अच्छे लेवल पे हो तब जाकर स्ट्राइक आए। मैंने बहुत सारे ऐसे चैनल देखे हैं कि 2-2 साल बाद उनको 2-2, 3-3 स्ट्राइक एक साथ मिली, वो भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन के रूल्स को अच्छे से समझना है और उनको हमेशा फॉलो करना है, और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं 24वें स्टेप की। आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कोलैब करना बहुत ज़रूरी है। अपनी देखिए यहाँ पे 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। कभी भी ऐसा ना करें कि मान लीजिए मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर है, मैं 10 लाख सब्सक्राइबर वाले से बात कर रहा हूँ बार बार, वो कोलैब करने में नाटक करेगा या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और वो क्यों करे आपसे कोलैब, इसमें थोड़ा दिक्कत होती है, तो आपका समय खराब होगा। आप अपने बराबर वाले या थोड़ा बहुत जो मैच करता है उससे, टॉपिक भी मैच करता है या अलग अलग टॉपिक है, किसी भी तरीके से आप ये देखें कि यार ये मेरे चैनल के लिए सुटेबल है, उस बंदे से जाके कोलैब करें। इससे आपको काफ़ी फायदा होगा, आपके जो सब्सक्राइबर है उसके जो सब्सक्राइबर है आपस में एक्सचेंज भी हो सकते हैं, इससे आपको हमेशा बेनिफिट ही मिलेगा और आपका एक नेम भी होगा, आपकी एक पहचान बनेगी यूट्यूब पे अलग अलग चैनल पे जब आप दिखोगे। तो आपको कोलैब करना बहुत ज़रूरी है। और अब आते हैं 25वें और लास्ट स्टेप पर। ये सारे मैंने जो स्टेप बताए ये आपको बिल्कुल ऑनेस्टी से फॉलो करने अपने चैनल पर। इसके बाद 25वां स्टेप है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा जरूरी है यूट्यूब पर। अब बहुत सारे लोग ये लगता है कि भाई कंसिस्टेंसी का मतलब है डेली वीडियो डालना है, नहीं, डेली वीडियो डालना कंसिस्टेंसी नहीं होती। हमारे चैनल का एक मतलब रूल बनाना है हमको कि यार मुझे डेली वीडियो डालना है, अल्टरनेट डे पे डालना है, वीक में एक डालना है, 15 डे में एक डालना है, या वीक में 3 वीडियो डालना है। मतलब एक शेड्यूल हम खुद बनाएंगे और उस शेड्यूल को फॉलो करना है आपको, यही कंसिस्टेंसी होती है। ऐसा नहीं यार एक वीडियो आज डाल दिया, अब 15-20 दिन गोल हो गए, 15-20 दिन बाद आए फिर एक वीडियो डाल दिया और तीसरा वीडियो 3 दिन बाद ही डाल दिया, शेड्यूल खराब हो गया। आप एक शेड्यूल के साथ चले और उसके हिसाब से आप कंसिस्टेंट रहें। लगातार मेहनत करना यहाँ पे बहुत जरूरी है। शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कभी कभी लगेगा आपको यार गिवअप कर देना चाहिए, लेकिन गिवअप आपको नहीं करना है। ये स्टेप नहीं है, ये सिर्फ एडवाइस है, आपको गिवअप नहीं करना है, आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना है और ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने, कंसिस्टेंट रहना है, आपका चैनल 100% ग्रो होगा, आपको सक्सेस मिल जाएगी। हाँ, मैंने कहा था शुरुआत में
कि यूट्यूब पर सक्सेस पाना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, बस आपको स्टेप्स फॉलो करने। ये वीडियो मेरा 4 सालों का अनुभव मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की है इस वीडियो में, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। इसी तरह की वीडियोज मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।